संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी विगत 10 मई से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। वहीं इसी दौरान काली पट्टी बांधकर वो अपना कार्य कर रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। इसी के चलते एनएचएम के सदस्य संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजी को ज्ञापन दिया। उनकी मांग है कि 5 जून 2018 को संविदा कर्मचारियों के लिए एक नीति बनाई गई थी, जिसमें नियमित कर्मचारियों के वेतनमान का 90% वेतनमान प्रदान करने के लिए आदेशित किया गया था, जिसके अनुसार अन्य विभागों में नीति लागू हो गई है। परंतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारियों पर आज दिनांक तक यह नीति लागू नहीं की गई है। संविदा कर्मचारी राजेश गुर्जर के अनुसार 10 मई से लगातार चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें विगत 3 दिनों से अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर अपने मांगों के समर्थन में विरोध दर्ज किया जा रहे हैं। यदि सरकार ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग नहीं मानी तो लगभग 30,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने पर विवश होंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधा बिगड़ जाएगी। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।